हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, में क्या अंतर होता है इसके बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को यहाँ पे आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको इग्नू बीकॉम में आना है, यहाँ पे आने के बाद एक नॉमिनल सा फी आपको पे करना है। यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली हैं, जिस तरीके से आप ट्यूशंस में 1000 रुपीज 2000 रुपीज पे करते हैं, आपको यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना। आपको बस 119 रुपीज पे करने हैं और उसके बदले आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बहुत ही सस्ते दामों पे एक तरीके से नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7। आपको ये अमाउंट पे करने के बाद नीचे की तरफ आपको देखिए यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखना व्हाट्सएप का आपको लिंक दिखाई देगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आप कॉमर्स की पाठशाला के साथ जुड़ सकते हैं और इसका मेंबर बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताता चलूं कि आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू। आपको लाइक वीडियोस को ढूंढने में अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है कॉमर्स की पाठशाला में आने के बाद, और यहाँ पे इग्नू एमकॉम और इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका नया कोर्स है जो कि लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे एमसीओ एमसीओ कह रहा हूँ, इसमें यहाँ पे आपको बीसीओ बीसीओसी 131 मतलब फर्स्ट ईयर का पूरा 134 तक, और 135 से लेकर के 184 तक सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के भी बहुत सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो कि है हमारा फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर होता है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो यही है कि रॉन्ग स्टेटमेंट इज मेड इन अनइंटेंशनली, है ना, सॉरी मेड इंटेंशनली। यहाँ पे आप जो फ्रॉड के तहत आप जब स्टेटमेंट बनाते हो तो आप इंटेंशनली गलत स्टेटमेंट आप बनाते हो, तभी हम उसको फ्रॉड बोलेंगे। फ्रॉड का मतलब हो गया कि आप जानबूझ करके गलती कर रहे हो, तो हम उसे बोलेंगे इंटेंशनली। रॉन्ग स्टेटमेंट इज मेड इंटेंशनली, बस मिसरिप्रेजेंटेशन में रॉन्ग स्टेटमेंट इज मेड इनोसेंटली, मतलब कुछ गलती हो जाने के कारण आपने जो है यू नो जो जो पर्टिकुलर्स आपको दिखाने थे, जो इंफॉर्मेशन आपको देने थे, आपने उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, इनोसेंटली आपने गलती से कर दिया, तो उसे हम कहेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब जब आप गलती जानबूझ के करोगे तो हम उसे कहेंगे फ्रॉड, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, डेफिनेशन भी आपका यही होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, The person making the wrong statement does not believe it to be true, है ना। तो जो person इस चीज को बना रहा है वो इस बात को नहीं मानेगा कि ये सही है, क्योंकि उसको पता है ना कि ये तो फ्रॉड कर रहा हूं मैं। The person making the wrong statement, जो wrong statement को बना रहा है, जो तैयार कर रहा है, does not believe it to be true, वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये जो है वो मतलब सही है, क्योंकि उसको पता है कि वो चीजें गलत है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो पर्सन बना रहा होता है उसको लगता है कि उसने सही किया है, क्योंकि वो गलती से कर देता है, 5 की जगह 6 कर देता है, 6 की जगह 9 कर देता है। गलतियां सभी से होती हैं, सपोज लिखने में उसने 6 की जगह पे 9 कर दिया या फिर 9 की जगह पे 6 कर दिया, तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन तो बोलेंगे। लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन उसने जानबूझ कर किया, अगर जानबूझ के किया होता तो उसे फ्रॉड कहते। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उसने गलती से कुछ गलतियां कर दी हैं, जिसके कारण और उसमें उसको लगता भी है कि जो उसने किया है वो सही है, है ना। लेकिन फ्रॉड के केस में जो व्यक्ति गलती करता है उसको तो पता है कि वो जानबूझ के कर रहा है, तो उसको वो सच कैसे लगेगा, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे एक इंटेंशन होता है डिसीव करने का, नुकसान पहुंचाने का, है ना। इंटेंशन यहाँ पे फ्रॉड में होता है कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में इस तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि जो भी यू नो कस्टमर है या तो जो भी इंप्लॉयर है उसको एक तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। फ्रॉड में बिसाइड्स रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, है ना। फ्रॉड के केस में जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जो एग्रीमेंट कर रही है दूसरे पार्टी के साथ, वो एक तरीके से डैमेज को क्लेम कर सकती है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में द एग्रीव्ड पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट क्लेम डैमेज, लेकिन वो इसके लिए डैमेज को क्लेम नहीं कर सकती है, राइट। तो फ्रॉड में रिसाइंडिंग पॉसिबल है, बिसाइड यहाँ पे रिसाइंडिंग पॉसिबल है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में भी रिसाइंडिंग पॉसिबल है। दोनों ही केसेस में रिसाइंडिंग पॉसिबल है, लेकिन फ्रॉड के केस में एग्रीव्ड पार्टी
क्लेम कर सकती है डैमेजेस, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में किसी भी तरह का डैमेज क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आई होप कि ये फोर्थ नंबर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फिफ्थ और आखिरी नंबर पॉइंट के बारे में, जो कि है एक्सेप्ट एक्सेप्ट वेयर द साइलेंट साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इवन इफ द पार्टी डिफ्रॉडेड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस, है ना। तो यहाँ पे आप मान लो आप अगर चुप छुपा करके ही फ्रॉड को कर रहे हो और आपका इंटेंशन अगर फ्रॉड को पकड़ने का है या एक तरीके से पता लगाने का है, कुछ ट्रूथ आपको पता लगाना है, उस केस में भी ये फ्रॉड ही कहलाएगा। और एक तरीके से जो जो डिफ्रॉडेड पार्टी होगी, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट वेयर द साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, जिस तरीके से चुप रहने से जो है फ्रॉड वो बन जाता है। सपोज आपको कोई चीज पता है लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो, आप चुप रहे हो, तो वो भी एक किस्म का फ्रॉड है। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उसको आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से बंद कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, है ना। इफ द पार्टी डिफ्रॉडेड, जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, जैसे ही उसको वो सच्चाई का पता चलेगा, वो चाहे तो उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल वो कर सकता है, उसके पास वो अधिकार है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में द एग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मिसरिप्रेजेंटेशन तो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, गलती से किया हुआ चीज होता है, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इफ ही हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, है ना, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसको अगर सच्चाई पता चल जाती है कि ठीक है यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है लेकिन गलती से हुआ है, तो उस केस में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। बट फ्रॉड के केस में जैसे ही आपको सच्चाई का पता चलेगा आप उस चीज को कैंसिल कर सकते हो। सो दीज आर द फाइव बेनिफिट्स, आई मीन फाइव डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, 5 मार्क्स में आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से करना, ठीक है ना। अगले क्लास में मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।